हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ध्रुव जोशी और आज का मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस का वीडियो बनाने जा रहा हूं रिगार्डिंग समर ऑफ पेन वीक 9, जिसमें कि थ्रोन ब्रेकर्स के लिए तीन ऑब्जेक्टिव्स आए थे, जिसमें हमें घोस्ट को हराना था विद मिस्टिक चैम्पियन, अ विलन चैम्पियन एंड अ मर्सनरी चैम्पियन। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव हैं। तो डॉक्टर डूम के साथ क्या फ़ायदा है कि आई कैन जस्ट टेक हिम एंड उसके साथ मेरे दो ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, विलन चैम्पियन वाला और दूसरा वाला जो है मिस्टिक वाला, दोनों के दोनों मेरे कंप्लीट हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग फाइट। अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन अभी भी ठीक नहीं होकर आया, तो बग फिक्स के बाद मैंने अपना पुराना फ़ोन यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट थोड़ी दिक्कत आ रही है डेक्सटेरिटी में एंड पैरी में। तो मैं पैरी करने की कोशिश कर ही नहीं रहा बिकॉज इट्स अ स्टन इम्यून घोस्ट। और इसमें सबसे अनॉइंग चीज़ ये है कि ये जब डेक्स बैक करती है गाइज, तो फॉल्टर का नोड आ जाता है हमारे ऊपर, विच कैन गेट एक्सट्रीमली अनॉइंग। और मैं शुरुआत में मैंने 3-4 बार ट्राई किया था मारने की उसके, देखिए हाँ मैं बच गया, वरना अगर वो मारती मुझे तो मैं मारा जाता। तो यहाँ पे मैंने एक स्पेशल वन मारा, यूज़लेस था, बट बच गए क्योंकि वो स्पेशल वन ने उसकी पावर कम कर दी थी। फिर से एक और स्पेशल वन मारा पर मेरी हेल्थ कम हो रही है रिकॉइल से, दैट इज़ अनॉइंग। और इसमें स्पाइट का भी नोड है गाइस, तो जैसे ही हमें वो डेक्सटेरिटी का नोड मिलता है प्रिसिजन वाला, उससे वो पावर गेन करने लग जाती है और स्पेशल 3 पे पहुंच जाती है बहुत जल्दी। तो वो भी ध्यान रखने वाली बात है इस वाली फ़ाइट में, बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक ये फ़ाइट ज़्यादा कुछ टेंशन देने वाली फ़ाइट है। सो या दैट इज़ द फाइट की क्या है। और डॉक्टर डूम के साथ बस मेरा यही कोशिश थी कि जितना जल्दी मार सकूँ मार दूँ। अभी उसका 1 बार और पावर अप, कोशिश यही रहेगी कि वो इवेड कर लूँ मैं, और थैंकफुली उसने दे दिया। और एक और चीज़ है इस फाइट में कि आप अपना अगर स्पेशल दोगे जब आप फॉल्टर पे हो और वो लग गया उसे, तो आप सारा डैमेज वापस लोगे और मारे जाओगे गाइज। और गाइज दूसरी फाइट थी मर्सनरी वाली, जो मैंने ब्लैक विडो कह रहा हूँ, विडो डेडली ओरिजिन के साथ की थी, जिसमें कि मेरे को अपनी वाइफ का फ़ोन यूज़ करना पड़ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा डेक्स करने की ज़रूरत थी उसमें, और पैरी करने की भी बहुत ज़रूरत थी क्योंकि ब्लैक विडो के साथ अगर मैं पैरी नहीं करता और ब्लॉक डैमेज ही लेता तो बहुत ही मारा जाता। उसमें भी मेरे फाइट में 2-3 रिवाइव लगे थे, इस वाली फ़ाइट में भी 2-3 रिवाइव लगे हैं, बट अब जो जैसा है मेरा फ़ोन जब आएगा तब ठीक होगा, देखी जाएगी। नेक्स्ट वीक का हम जो समर ऑफ पेन वीक 10 आएगा, जिसके अलग रिवॉर्ड्स होंगे, वो देखेंगे गाइज उसको कैसे डील करना है। अब आप देख रहे हो स्पाइट नोड पर पावर गेन दबा दबा के कर रही है, जब तक मैं उसे मारूंगा नहीं और वो प्रिसिशन बफ मेरे से हटेगा नहीं तब तक वो पावर गेन करती रहती, जो हट गया था इवेंचुअली। फिर से अब मैं स्पेशल 3 पे आ गया हूँ, वो 68% पे है अभी शायद, लेट्स जस्ट गेट हर डाउन एज क्विकली एज वी कैन। काफ़ी लंबी फाइट है ये यूजिंग डॉक्टर डूम एज वेल, बट हाँ एक तीर और 2 निशाने हैं। बहुत चैम्पियंस हैं जो घोस्ट को आराम से मार सकते हैं, विलन्स में मिस्टिक्स में भी बहुत हैं, ड्रैगन मैन भी मार देगा ऐसे तो काफ़ी आराम से। या एंड दैट्स अबाउट इट, इस फाइट में ऐसा कुछ खास है नहीं गाइज। दूसरी बात मैं जो आज करना चाहता हूँ, इट्स अबाउट द अपडेट्स विच आर कमिंग। अपडेट्स तो आ ही रहे हैं कि गेम को फिक्स कर रही है कबैम, तो वो बीच बीच में अपने अपडेट ला रही है। कल ट्यूसडे है तो कल शायद एक शेड्यूल्ड मेंटेनेंस भी होगा सुबह सुबह, दैट इज़ गोइंग टू हैपन। एंड या आई थिंक दूसरी बात ये है कि समर ऑफ पेन के जो रिवॉर्ड्स हैं वो इस वीक के एंड में मिल जाएंगे, तो उसकी ओपनिंग हम करेंगे। बेबी ध्रुव में अनफॉर्चुनेटली मैंने 3-4 फाइट स्किप कर दी थी, तो अब मेरा ये घोस्ट की फ़ाइट करने का भी फ़ायदा नहीं था। एमा फ्रॉस्ट वाली फ़ाइट मेरी मिस हो गई थी, वरना शायद मैं क्लास सेलेक्टर ले सकता था नेक्सस में। अब मुझे बस 6-स्टार नेक्सस मिलेगा और 50% टीयर 5 क्लास कैटलिस्ट सेलेक्टर मिलेगा, तो आई थिंक वो भी काफ़ी हद तक सही है क्योंकि उसमें भी मैं ह्यूमन टॉर्च को रैंक 3 पे लेके जा सकता हूँ। और जैसे ही मेरा एक्ट 6 ख़त्म होगा गाइज, आई विल बी बिकम अ थ्रोन ब्रेकर। मेरी अलायंस में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने एक्ट 6 पहले ही ख़त्म कर लिया इस खुशी में,
कि वो थ्रोन ब्रेकर बनने वाले हैं और काफ़ी स्किल्ड लड़के हैं वो सब। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू स्पाई एंड राज लूसिफर है जिनका नाम गेम में। एंड या अब मैं गाइस इस वाली फाइट में मरने ही वाला था, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट जस्ट डील एज मच डैमेज एज आई कैन, और फिर अपना लेकर आते हैं फिर रिवाइव एंड ट्राई टू फिनिश हर इस एप। 143 हिट्स में वो 30% टाइप पे कुछ पहुंच गई है। रिवाइव लगाते हैं एंड लेट्स गेट इनटू द फाइट गाइस। ऑलराइट गाइस, सो अब हमने रिवाइव लगा लिया है एंड वी विल बी ट्राइंग टू फिनिश दिस फाइट, बट आई थिंक मेरे हिसाब से शायद एक और रिवाइव लगता है। हेल्थ पॉट्स भी डाल दिए हैं, और मैंने एक कॉल मतलब जब ये रिकॉर्ड किया था तो ऑब्वियसली तब मैं वॉइस ओवर नहीं दे रहा था क्योंकि मेरा पुराना फ़ोन है, इफ़ यू आर फॉरगेटिंग। बट थोड़ा सा पिट जाता हूँ मैं शुरुआत में, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, और शायद एक फ़ोन कॉल भी आने लग जाती है बीच में और इसमें वो वाला ऑप्शन है नहीं कि मैं फ़ोन कॉल्स ऑफ कर सकूँगा, सो दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग। बट ठीक है, वो अब जो मेरा जब फ़ोन आएगा तब देखेंगे। 3% हेल्थ बची है मेरे डोम की और वो मारा गया गाइस। आई थिंक एक और रिवाइव लगाया मैंने, हेल्थ पॉट भर कर लाया हूँ ताकि इसको मार सकूँ। अब कॉल आती है शायद, अब आप ये देखो देख रहे हो ट्रू कॉलर से आया नेहा कुमारी कोई है जो ब्रॉडबैंड बेचने के लिए मेरे को फ़ोन कर दी थी। अब उसका मैसेज भी ऊपर दिखेगा आपको व्हाट्सएप का, विच इज़ व्हाट इट इज़ गाइस। सो या आई मीन कांट डू मच अबाउट इट। एंड हाँ आई थिंक अब आई थिंक 24% मेरी हेल्थ है और इसकी बची हुई है अबाउट 9%। मर जानी चाहिए, बट अब आप देख रहे हो मैसेज करने लग गई तो मेरे को उसका हेल्थ भी नहीं देख रहा, अब वो पावर गेन भी करने लग गई। सो आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड, तो कुछ कर भी नहीं सकता था गाइस क्योंकि वो स्पेशल थ्री पे आ गई है तो वो अपना स्पेशल थ्री देगी ही एंड मैं मारा जाऊंगा। बट एक और रिवाइव लगा के 2% हेल्थ बचती है, बट अनफॉर्चुनेटली शी विल थ्रो हर SP3, वो भी ज़रूरत नहीं पड़ी उसे। और वो टाटा स्काई ब्रॉडबैंड बेचने के चक्कर में उसने मेरी वाट लगा दी। रिवाइव फटाफट लगाया मैंने और 2% हेल्थ बची है और 2-4 मुक्कों में मर जाएगी वो, लो जी। और मेरे 2 ऑब्जेक्टिव आज हो गए पूरे। समर ऑफ पेन week 9 के गाइज, तो काफ़ी खुशी हुई मुझे ये करके। एंड हाँ, मैं अपनी रिकॉर्डिंग का भी और अपना तरीका चेंज कर रहा हूँ गाइज। एंड बीच में को वीडियो काटना पड़ गया था क्योंकि मेड आ गई थी। एंड या तो वही देखना, अब तो है नहीं वो। तो आप देख रहे हो ये फाइट हो गई थी एंड दोनों में अपने मैग्नेटिक एंड ईवल वाले दोनों ऑब्जेक्टिव्स क्लेम कर लिए। आई थिंक अब पीक माइलस्टोन्स में थे सारे कवर्ड हो गए हैं। एंड उससे क्या होगा कि आई बी या बेटर इक्विप्ड कि सारी रिवॉर्ड्स मेरे को अपने मेन अकाउंट में मिलेंगे अब। एंड एक पॉइंट अभी भी कम होगा जो मैग्नेटो की एक्स्ट्रा फाइट कर ली थी मैंने बिकॉज ऑफ द रिपीट ऑफ समर ऑफ पेन वीक। उस चक्कर में आई डिड द मैग्नेटो फाइट अगेन और उसका मेरे को एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला हुआ है जो वापस ले लेंगे आई थिंक बाय द एंड ऑफ द समर ऑफ पेन। तो अब मेरी फाइट बची थी मर्सनरी वाली, तो पहले मैंने कोशिश करी कि डोमिनो को लेके जाऊं और ट्राई करूं, पर मेरे वाले फ़ोन में तो हो ही नहीं रहा था। तो मैंने अपनी बीवी के भी फ़ोन में भी ट्राई किया, आई फोन था जो, उसमें भी नहीं हुआ। सो आई जस्ट डिड इट विद ब्लैक विडो डेडली ओरिजिन, ये रहा वो फाइट। अब इसमें आप देख रहे हो वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो गया क्योंकि ये आईफोन की रिकॉर्डिंग है एंड वो पुराने वाली थी हुआवे ऑनर 8, आई थिंक हुआवे ऑनर 8 था वो फोन। एंड या इसके साथ क्या करना था, बस इस पे शॉक डीबफ डालते रहो और ब्लॉक दबा के रखो ताकि वो कन्वर्ट ना करे। जितना कम से कम वो पीछे डेक्स करेगी उतना मेरे को फ़ायदा होगा, वरना गाइज वो जैसे ये फॉल्टर आप देख रहे हो फॉल्टर कर देती है। शुरुआत में मैंने काफ़ी हेल्थ लूज़ कर ली, 57% पे आ गया था मैं एंड शी इज़ एट 90%। बट ऑब्जेक्टिव ये है कि जितनी हेल्थ ले सकूँ मैं
ब्लैक विडो से, बहुत हार्ड हिटर है ब्लैक विडो डेडली ओरिजिन, उतनी मैं इसकी हेल्थ ले लूँ गाइज। सो या एंड स्पेशल 3 टाइम ताकि इसके वो क्रुएल्टी बफ्स भी मिल जाएं ब्लैक विडो को, और तगड़ा डैमेज करेगी फिर। लेट्स सी क्या कर पाते हैं। फिर उसके बाद मैं स्पेशल 2 मारने की कोशिश करूँगा टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। अब आप देख रहे हो फॉल्टर लग गया क्योंकि वो पीछे भागी जा रही है, इट्स गेटिंग वेरी अनोइंग, बट थैंकफुली उसने स्पेशल दे दिया। अब मेरी वाइफ के फ़ोन पे फैमिली मैसेज आया है मेरी बहन का, सो ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं गाइस, अनलेस यू हैव अ फ़ोन जिसमें आप मैसेजेस ब्लॉक कर सकते हो, जैसे ROG फ़ोन 3 में वो ऑप्शन था गाइस। ओके अब ये फिर से पीछे जाई जा रही है, मैं तो ब्लॉक होल्ड करके खड़ा भी रहता हूँ और वो फॉल्टर लिए ही जा रही है, बट थैंकफुली उसको 70% पे ले आया हूँ मैं। इसमें आई थिंक 2 या 3 रिवाइव लगते हैं मेरे, क्योंकि बहुत अनोइंग हो जाती है घोस्ट एंड में, तो हम वो देखेंगे उससे कैसे डील करना है, एंड वो बात की बाद में देखेंगे। अभी वो 55% पे आ गई है, काफ़ी तगड़ा डैमेज है यार ब्लैक विडो का, 90 हिट्स में आई थिंक, इतने में 6-star रैंक 3 डूम ने भी नहीं किया था इतना डैमेज, 140 हिट्स में आई थिंक डूम घोस्ट को लेकर आया था 35% पे। तो हम देखेंगे ब्लैक विडो 5-star रैंक 5 है गाइस, तो ये 140 हिट्स में कितने पे लेकर आएगी इसे, नहीं काफ़ी कम कर देती है। आई रिमेंबर बहुत इसकी हेल्थ खा जाती है, एंड अगर इसको 6-star रैंक 3 करोगे आप तो सोचो क्या डैमेज देगी गाइस ये। अभी 35% से 20-25 हिट कम है, और 31% पे ले आया हूँ मैं एक स्पेशल 2 से जो इतना तगड़ा मारती है गाइस ब्लैक विडो। और यहाँ पे मैं गलती से पिट जाता हूँ और मारा जाता हूँ, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ गाइस। अब मैं नया एक ये मोवावी वीडियो एडिटर भी कोशिश कर रहा हूँ यूज़ करने की, इसका ट्रायल चल रहा है अभी, तो शायद वो वाटर मार्क आएगा तो बुरा मत मानना, बट अगर मेरे को ये पसंद आया गाइस तो आई विल बी यूजिंग दिस फॉर माई फ्यूचर वीडियोज एज वेल। ओके तो लेट्स गेट इनटू द फाइट नाउ, एंड इसका बचा कुचा जो हेल्थ है वो ख़त्म करते हैं। अब मैं ब्लॉक होल्ड करके रख रहा हूँ ताकि वो अपना हैवी दे, उसको बेट करूँ मैं, एंड आई विल जस्ट अटैक इनटू हर रेगुलरली और अपना अटैक वैल्यू बढ़ाते रहो। इनसाइड जो ब्लैक विडो को मिलती है जो 50 तक जाती हैं, एंड 9% पे तो वो आ चुकी है, आई थिंक 10-20 हिट और लगेंगी, एक स्पेशल 2 में भी हो जाना चाहिए वैसे तो, एंड जैसे मैंने गैस किया था स्पेशल 2 पे भी मार गई गाइस। गाइस आज के लिए इतना ही वीडियो, एंड अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अलायंस मेंबर्स के साथ, सबके साथ, और अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे गाइस जल्द ही। इसका मैं आप बस आपको दिखा देता हूँ कि मर्सनरी का भी मैं अपना ऑब्जेक्टिव कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड यस आई एम एट मैक्स पीक स्टोन, एंड आई विल गेट ऑल द रिवॉर्ड्स ऑन वेडनेसडे, तब हम शायद अगर मेरा फ़ोन आता है तो वील गो लाइव एंड ओपन द रिवॉर्ड्स, एंड या दैट इज इट गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय, सी यू।